हेलो एवरीबॉडी, 31st क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 2019 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है वो डिस्कस कर रहे थे हम लोग। 30th क्वेश्चन तक डिस्कशन हो चुका था पेपर का, तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्लैरिटी मिल जाएगी उससे। 31st से आज आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, रिसेंटली देर वॉज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आर कंट्री अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल, जिसका ये साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दिया हुआ है, बिकॉज इट वॉज फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि ये करंट अफेयर से पूछा गया था, करंट में चल रहा था, पर अगर आपको गेस करना हो, ठीक है, तो ये ऑप्शंस में हम लोग एलिमिनेशन कैसे यूज करेंगे देखेंगे। देखिए, एंटी मलेरियल ड्रग, सेकेंड है बायोडीजल, थर्ड है पल्प ऑफ पेपर इंडस्ट्री, एंड डी इज टेक्सटाइल फाइबर। देखिए, मैं अगर मलेरियल ड्रग की बात करूँ, एंटी मलेरियल ड्रग की, तो ये रूल आउट होता है क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली पूछा है, रिसेंटली, पर मलेरिया से रिलेटेड ऐसा कुछ तो आया नहीं था, ये इशू रिसेंट नहीं है। देखिए, यहाँ पे बायोडीजल एलिमिनेट होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर यू नो स्पीशीज को यूज़ करके बायोडीजल बनाने की बात उतनी नहीं की जा सकती, सस्टेनेबिलिटी और यू नो क्वांटिटी भी देखनी होगी ना हमें। अब यहाँ पे जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें हम लोग किस चीज़ पे ध्यान देंगे कि हमको सस्टेनेबिलिटी देखनी है। अब इस क्वेश्चन में देखें कि सस्टेनेबल सोर्स, ये है कीवर्ड, ठीक है, और आप ध्यान से देखेंगे तो डाइवर्सिफोलिया, ये जो इसका साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्चुअली प्लांट स्पीशीज लग रही है ये इसके सफिक्स देख के, तो फोलिया फ्लोरा इससे रिलेटेबल है। अगर आप इतना समझ लेते हैं, एज अ पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, देखिए पेपर इंडस्ट्री अच्छी खासी चल रही है, ऐसा कुछ न्यूज़ में भी नहीं आया है कि पेपर इंडस्ट्री में कुछ नया रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ में भी नहीं आया है, तो आप कॉन्फिडेंस रखें अगर आपने ऐसा सुना नहीं है तो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल डी ऑप्शन लग रहा है और ये आंसर राइट है। अगर आप ए और बी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डाटा यूज्ड, एप्लीकेशन की बात की जा रही है रिमोट सेंसिंग की डाटा की, ठीक है। अब आप, ये साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है, ठीक है, आप अपना माइंड एकदम ब्रॉड कर लें, ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए साइंस एंड टेक में, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। स्टेटमेंट्स देखते हैं, फर्स्ट, क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, यस, क्लोरोफिल कंटेंट वो ग्रीन कलर जो प्लांट्स में आता है इसी से आता है, और पिक्चर से रिमोट सेंसिंग से उसे मेजर किया जा सकता है, तो फर्स्ट राइट है, ठीक है, फर्स्ट राइट है, तो 2, 3 एंड 3 ये रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब बी और सी एलिमिनेट हो जाता है। अब आप देखें कि बहुत पॉसिबिलिटी है अगर ये दोनों में से एक, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में से एक भी राइट लग रहा है आपको, तो आपका आंसर हो जाता है डी, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पेडीज ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है। अगर आप में, आप अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन है तो आप थर्ड देखें, लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, विच इज ऑल्सो ट्रू, हीट कॉन्टेंट भी रिमोट सेंसिंग डाटा से एनालाइज कर सकते हैं, तो डी आंसर होता है, तीनों राइट है, ज़्यादातर तीनों ही राइट होते हैं अगर जनरल स्टेटमेंट और रेलिवेंट स्टेटमेंट लग रहे हैं साइंस एंड टेक में। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा दिया हुआ है। With reference to state mentioned above, in terms of percentage of forest cover to the total area of state, which one of the following is correct ascending order? तो यहाँ पे दो की टर्म्स हैं, percentage of forest पूछ रहे हैं और ascending order में लगाने को कह रहे हैं, मतलब कम से ज़्यादा, descending is ज़्यादा से कम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे बहुत forest का cover है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर्स है, ठीक है, आई गेस ये फर्स्ट नंबर पे आता है फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, तो अगर स्टेट बहुत बड़ा होगा तो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर वुड बी लेस, राइट। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात होती तो आंसर बदल जाता हमारा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश एक्चुअली बड़ा वाला स्टेट है एज कम्पेयर टू छत्तीसगढ़, यहाँ पे देखें, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाजू में ही है एंड नॉट सो डेवलप्ड ऑल्सो, तो वहाँ पे फॉरेस्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और क्योंकि छत्तीसगढ़ छोटा है तो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कुड बी हायर देयर, ठीक है। अगर हम लोग वैसे लें, असेंडिंग ऑर्डर देखें, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज रहेगा
और मध्य प्रदेश उससे कम। पर आप यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में भी एक कंपटीशन है, ठीक है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप वन इधर लिख लें, वन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश सेकंड, या वन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा उड़ीसा विच इज़ फोर्थ। अब आप देखिए ये ऑप्शन में ये वाले पार्ट पे ध्यान दें, ठीक है। वन सबसे ज़्यादा है मतलब डी और ए ये कैंसिल आउट होते हैं, राइट। अभी यहाँ पे आपको वन वन के बाद टू वाला कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, बी और सी आप देखें तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट होती है। अब हम बचते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये देखिए बीच में आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन है कि मध्य प्रदेश सेकेंड आएगा या उड़ीसा, वहाँ पे आप चेक कर लेंगे ऑप्शन में क्या है, ठीक है। अब मैं पेन बदल लेती हूँ, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना। अब हम बचते हैं एक्चुअली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, तो अगर आप ब्लाइंड गेस भी करते हैं तो मध्य प्रदेश को एक्चुअली आप परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर में पहले लेंगे एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। वेरियस रीजंस इसके लिए हैं। एक्चुअली मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और क्योंकि महाराष्ट्र ज़्यादा डेवलप्ड है विथ रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, तो फिर महाराष्ट्र हमारा लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका बनता है सी। देखें सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। ऐसे असेंडिंग चल रहा है 3-1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट। अगेन साइंस एंड टेक क्वेश्चन, आप अपने माइंड को एकदम ब्रॉड कर लें और फिर ही क्वेश्चन पढ़े। मैं बार बार ये कहती हूँ कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आपके माइंड को खोल के पढ़ें आप, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत कुछ हो सकती है। क्वेश्चन देखें, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स, ठीक है। ये वाला जनरल स्टेटमेंट है, वन ट्रू है तो बी एलिमिनेट होता है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। दिस इज ऑल्सो अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, यू कांट क्वेश्चन इट के नहीं होगा, ठीक है। सी फ्लोर के अंदर भी हाइड्रेट पाए जाते हैं, मीथेन हाइड्रेट, ये बिल्कुल पॉसिबल है। थर्ड देखें, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और टू। वेरी आयरनिकली दिस इज ऑल्सो वेरी जनरल स्टेटमेंट, यू कांट यू नो क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे आंसर डी है। कभी भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें एक्चुअली आपको एक मैसेज मिलता है कि एग्जामिनर सोच कैसे रहा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में बताऊँ। तो आप ऐसे सोचें कि मीथेन जो है ये ऑक्सीडाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड में 10-20 साल में, तो नहीं होती ऐसा बताना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो ये स्टेटमेंट राइट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ ये तो अपने साइड है, आप जब पढ़ते हैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, ठीक है। कई सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना आप यू गेट टू नो, यू टेन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग, तो वो स्लोली इट विल डेवलप। ओके यूपीएससी प्रो के द्वारा कई सारे कोर्सेज भी पहले निकाले गए हैं तो उसमें कंटेंट हम लोग बताते हैं, बट दिस इज समथिंग आई फेल्ट के अपार्ट फ्रॉम कंटेंट, क्योंकि प्रीलिम्स इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है, प्रीलिम्स में इट्स लाइक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यू आर लूजिंग आउट बाय 0.5-0.3 मार्क्स, तो उसमें ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए हम लोग ये एक्चुअली वीडियोज भी बना रहे हैं, कॉन्टेंट जानना बहुत ज़रूरी है, दिस इज ट्रू, जिसके लिए हम लोग आगे भी चल के सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, सारे स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे, तो आप उसके लिए भी बने रहे, पर ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन एज एन टी। चार ऑप्शन दिए हुए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इन टू एटमोसफेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप / बायोमास रेसिड्यू। देखिए यहाँ पे भी कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, आपको समझ गया होगा इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। अगर अपसेट सा कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है तो एसएनटी में सभी राइट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग करा रहे हैं। एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेन सी, रेड सी। ये सीज देख के आपको पता चल गया कि आपको ये सीज के आजू बाजू कंट्रीज पता होने चाहिए, बॉर्डरिंग कंट्रीज पे क्वेश्चन आ गया। अगर आपको याद है तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज में क्रोशिया नहीं है। अब जब टू नहीं है, देखिए सी डी और ए कैंसिल आउट होते हैं, आपको मिल जाता है आपका आंसर बी। दिस इज एज सिंपल एज दैट, वहां पे क्लिक करने की जरूरत है कि ये
ये बॉर्डरिंग तो नहीं है, बाकी का मुझे पता नहीं, पर ये तो नहीं है। आप कैस्पियन सी के बारे में बात करें तो कैस्पियन सी है एक्चुअली कजाकिस्तान से लग के है। ये बहुत ईजी सा है, ये याद भी रहता है लोगों को, पर यहाँ पे अगर आप ये राइट करते हैं तो आप बेसिकली ए और सी कैंसिल आउट कर पाएंगे, फिर भी आपको दो में से चूज करना पड़ेगा। तो आप इनको किसी भी तरह याद रखें, निमोनिक लगा के याद रखें, सभी सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 ईयर्स। तो ये इंडिया है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, फैक्चुअल चीज़ है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ग्लेशियर दिया हुआ है, रिवर्स दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि सियाचिन ग्लेशियर, बहुत ये बाकी ग्लेशियर तो आपको ना पता हो पर कुछ आप याद रख सकते हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर एक्चुअली नुब्रा रिवर पे है, तो 4 राइट है तो सी और डी कैंसिल आउट होते हैं। इसके बाद आपको अपने नॉलेज से आगे बढ़ना है, ठीक है, इसके बाद एलिमिनेशन नहीं होता है, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरॉन मिथाइल पैरिथियन 4-8-triazofos इज व्यूड विद द एप्रीहेंशन दीज केमिकल्स आर यूज एज। अगर एप्रीहेंशन की बात है, वरीड है इन केमिकल्स को लेके, तो ऑब्वियसली कुछ हार्म कर रहे होंगे तभी वरीड है। तो फर्स्ट देखिए पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, दिस कुड बी द आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड्स, थर्ड इज फूड राइपनिंग एजेंट। तो फूड राइपनिंग एजेंट्स अगर हैं तो अप्रिहेंसिव होने की बात नहीं होती ना, तो सी उतना हमको सुटेबल नहीं लग रहा है, एलिमिनेट होता है यहाँ पे। डी होता है मॉइस्चराइजिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक्स, तो ये भी आप जो स्टेटमेंट की गहनता देखें तो ये भी उतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लग रहा है डी। अब आप बचते हैं ए और बी के बीच, ठीक है। पेस्टिसाइड्स में अगर आपको DDT याद है, DDT में टी का मतलब ट्राइक्लोरोइथेन और 4-8-triazofos, ये सभी रिलेटेड पेस्टिसाइड्स ही लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी गेसिंग ही है, पर ये ज़्यादातर आप समझें कि स्टेटमेंट की गहनता और इन दोनों में से हमको चूज करना हो तो हम पेस्टिसाइड ही करेंगे, आंसर इसका ए। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कुछ भी मैंडेटरी, यू नो कंपल्सिवली, ये सारे एक्सट्रीम वर्ड्स ही होते हैं, रॉन्ग लेते हुए चले इनको। जो मैंडेटरी जिसमें है ना, जो बाइंडिंग है ना, तो हमको अलग से याद रहता है, क्योंकि वो इतना एक्सेप्शन होता है ना, तो याद रखने की दिक्कत नहीं होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ले लें, ठीक है। द वेटलैंड्स कंजर्वेशन रूल्स 2010 वेयर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। देखिए ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट पर से आप मान लीजिए, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो बाइंडिंग नहीं है, ज़्यादातर उनके रिकमेंडेशन पे ही काम नहीं करती हैं। मतलब आप ये मान के चलें कि बाहर से कोई रिकमेंडेशन आ रही है, उनको लेके पॉलिसीज बनाई जा रही है, ये ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है। तो 2B ऑप्शन रॉन्ग होता है, ए भी रॉन्ग होता है, आप 3 के साथ ही बचते हैं, और नन जैसा कोई आंसर है नहीं यहाँ पे, तो आंसर हो जाता है सी ओनली। इस सब डिस्कशन में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं शायद आप ये रूल्स फॉलो ना कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं मैं ये रूल्स, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स 200 में से 200 लाने के लिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आपको अगर 80 मार्क्स आ रहे हो मार्क्स में, तो 80 से 100 कैसे आए, 100 से 120 कैसे आए, वो एज इससे मिलेगा। कंटेंट को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, आप प्लीज़ इसको इस तरह मत देखें। कंटेंट और हार्डवर्क और आपका जो स्टैटिक नॉलेज है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको गलत वे में मत ले, ये आपके नॉलेज को एडअप ही कर रहा है। आप इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लगा रहे जो लॉजिकल नहीं है, आप लॉजिक से सोच रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।